भाजपा की मोदी सरकार देश की मौजूदा संविधान को परिवर्तित कर तानाशाही शासन व्यवस्था लागू करना चाहती है। अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस दिल्ली द्वारा नियुक्त छत्तीसगढ़ पर्यवेक्षक तथा आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष के आर शाह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भारत का संविधान खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है और इसे बचाने के लिए सभी प्रकार के सामाजिक संगठनों को मुखर होकर आगे आना होगा। के.आर. शाह ने कहा कि वर्तमान भाजपा की मोदी सरकार वास्तव में कॉरपोरेट सरकार है, जो कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। इस सरकार से सबसे बड़ा खतरा देश के आदिवासियों और उसके जल जंगल जमीन को है। श्री शाह ने यह भी कहा कि वर्ष 2023 में मोदी सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन कर पांचवी अनुसूची वाले आदिवासी क्षेत्रों की भूमि को बिना ग्राम सभा अनुमति के अधिग्रहित करने का कानून संसद में पास करा लिया है। मोदी सरकार पुनः सत्ता में आएगी तो बस्तर और सरगुजा की जमीनें उद्योगपतियों को दे दी जाएगी। देश तेजी से अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहा है। स्वायत्त संस्थाओं पर शासन का पूर्णतया नियंत्रण है। देश में एक प्रकार से अघोषित आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को भी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने से रोका जा रहा है। सारा विपक्ष भयभीत है। मध्य भारत की इकलौती आदिवासी झारखंडी सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार कर जेल में डाल रखा है। मामला राजस्व से संबंधित है, लेकिन कार्रवाई ईडी कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर राजनीतिक विद्वेष फैला रही है। इस वार्ता में के.आर. शाह, पूर्व महापौर नीता लोधी, एमआईसी सदस्य सिजो एंथोनी, संदीप निरंकारी, अतुल चंद साहू, आर.एन. वर्मा, जानिसार अख्तर, लक्ष्मी वर्मा, अनसुईया मरकाम मौजूद रहे। जिस समय अंग्रेज यहाँ आए थे उस समय 1% शिक्षित नहीं था भारत। ये अगर आपको पता है कि नहीं पता है, भारत की आबादी का 1% व्यक्ति शिक्षित नहीं था। तो संस्कृत में पढ़ाए जाते थे, वहाँ गुरुकुल में किसी ओबीसी को पढ़ाया गया हो ऑन द रिकॉर्ड, हिस्ट्री में कहीं हो तो बता दें आप लोग, गुरुकुल में ऑन द रिकॉर्ड बता दें इस देश का कोई भी व्यक्ति कि किसी एससी एसटी ओबीसी को उस गुरुकुल में पढ़ाया गया, ये बता दीजिए। जो लोकसभा के चुनाव अभी वर्तमान में चल रहे हैं, पूरे देश के आदिवासी समाज और खास करके दलित समाज भी भयभीत है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आती है तो संविधान में बड़े भारी फेरबदल किए जाएंगे या उसे अपदस्थ कर एक नए संविधान की संरचना इस देश में की जाएगी। और उस प्रकार के सारे सिम्टम्स चुनावी दौर में दिखाई भी दे रहे हैं। 1951-52 से जब हमारा देश गणतांत्रिक हुआ तब से लेकर के आज तक आम चुनाव जारी हो, आईटी और सीबीआई के छापे निरंतर चल रहे हो, लोकसभा प्रत्याशियों के यहाँ छापे पड़ रहे हो, उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापे पड़ रहे हो, ऐसा देश ने पहली बार देखा है। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि लोकसभा के चुनाव इस देश में हो रहे हों और उम्मीदवारों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। यह इस बात के संकेत हैं कि यह देश पूरा तानाशाह की ओर बढ़ रहा है और मोदी जी ने घोषणा कर रखी है कि एक इलेक्शन एक नेशन। यह सेम जो है रशिया की परिस्थिति है। रूस में क्या हुआ, वहाँ चुनाव हुए और पुतिन जब तक जीवित रहेंगे तब तक वहाँ के वो राष्ट्रपति रहेंगे। ये भी हाल में हुआ है। सेम परिस्थितियां भारत में पैदा की जा रही है। चूंकि यह संशोधन करने के लिए उन्हें भारी बहुमत की आवश्यकता है, इसलिए वो जो है उन्होंने जो नारा दिया और बहुत सारे उनके वीडियो, उनके जितने आरएसएस के संगठन हैं हमारे पास में वीडियो हैं, उनके बड़े बड़े नेताओं के बयान हैं कि वो संविधान में परिवर्तन चाहते हैं। तो वो जो आरक्षित समुदाय है इस देश का, जिसको कि कांग्रेस की सरकार हो चाहे वाजपेयी जी की भी सरकार रही, सबने ये माना कि इस देश का मूल मालिक मूल निवासी आदिवासी है और हर सरकार ने वादा किया कि हम संविधान के अनुसार जो संरक्षण उनको प्राप्त है वो देंगे। लेकिन वर्तमान में मोदी जी की सरकार संरक्षण देने में नाकामयाब रही और व्यवस्थाएं अब इस प्रकार से निर्मित की जा रही है कि देश एक हिटलर शाही की ओर बढ़ रहा है। संविधान को परिवर्तन करने की दिशा में वो बढ़ चुके हैं। इसलिए हम पूरे देश के आदिवासियों से अपील करते हैं, पूरे देश के दलित जातियों से अपील करते हैं, देश की पिछली जातियों से अपील करते हैं कि वे सावधान हो जाएं और इस सरकार को उखाड़ दें।